सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। खरखोदा के गांव गोपालपुर के खेतों में हुई चोरी के मामले में खरखोदा पुलिस द्वारा 4 चोर गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस विभाग के अधिकारी ACP जीत बैनीवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि गांव गोपालपुर के खेतों से किसानों के ट्यूबवेल की मोटर और पंखे चोरी करने की सूचना खरखोदा पुलिस को मिली थी। सूचना पर कार्रवाई करते हुए उनकी पुलिस टीम ने भूपेंद्र सिकंदर, गांव बहराना, पाल किराएदार महावीर कॉलोनी खरखोदा और साहिल और सागर गांव गोपालपुर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार आरोपियों में आरोपी सागर की गाड़ी नंबर HR69E9898 गाड़ी सहित 5 ट्यूबवेल के पंखे और एक मोटर बिजली बरामद हुई है। गिरफ्तार आरोपी सागर पर गोहाना में 2 मोटरसाइकिल चोरी के मामले भी दर्ज है, जिस पर खरखोदा पुलिस ने मामला दर्ज किया है। गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा ताकि अन्य वारदातों का भी खुलासा हो सके। कल हमारी SHO खरखोदा की टीम गश्त पे थी तो 4 लड़के, इसमें साहिल, सागर, भूपेंद्र, सिकंदर, 4 लड़के हैं। 2 झज्जर जिला के रहने वाले हैं, 2 काफी समय से यहीं रहते हैं और 2 है गोपालपुर के। तो इनका मेन काम है जमींदारों के खेतों से पंखे उठाना और मोटर चोरी करना। तो कल हमारी टीम गश्त करी थी, हमें ये 500 आदमी, इन 4 आदमी हमने कल 5 पंखों और एक मोटर सहित काबू किए हैं। तो उनसे फिर फर्दर पूछताछ की गई तो इन्होंने हमारी कुल 4 वारदातें और मानी है अभी तक। अभी हम इनका पुलिस रिमांड लेंगे, पुलिस रिमांड के बाद इनके कौन कौन साथी हैं और साथी कौन है उनके बारे में पूछताछ करेंगे और कहाँ कहाँ वारदात की है सोनीपत जिला में या एडजॉइनिंग कोई जिला में, उसके बारे में पूछताछ करेंगे। सर, इनका कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड? इसमें एक लड़के के खिलाफ 2 मुकदमे गोहाना सिटी और सदर के हैं मोटरसाइकिल चोरी के, तो उसके बारे में पूछताछ कर रहे हैं कहीं वो उन मुकदमों में कहीं बेल जम्पर, तो SHO सदर और सिटी को सूचित कर दिया है।